हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्वीट डिलाइट्स में। आज हम लेके आ गए हैं एक नई रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं स्वीट कॉर्न का चटपटा हलवा, बिल्कुल ही स्पेशल और शाही स्टाइल में, कम घी और कम शुगर का यूनिक और टेस्टी हलवा। रेसिपी को स्टार्ट करते हुए हमने यहाँ पर एक कप स्वीट कॉर्न ले लिया है और स्वीट कॉर्न को हम एक ग्राइंडिंग जार में शिफ्ट कर देंगे। और नेक्स्ट हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं ग्रीन चिली, 2 पीस हमने ले लिए हैं और 5 से 6 हमने ले लिए है ब्लैक पेपर, काली मिर्च। और नेक्स्ट हम लेंगे लौंग, 2 क्लव्स हमने ले लिए हैं, उसे हम ग्राइंडिंग जार में ऐड करेंगे क्योंकि हम स्पाइसी हलवा बना रहे हैं। तो अब हम उस सबको ग्राइंड करेंगे। तो स्वीट कॉर्न के साथ में सारे स्पाइसेस ग्राइंड हो गए हैं और हमने यहाँ एक फ्राई पैन को गर्म कर लिया है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स में हमने यहाँ पर ले लिया है घी, 1 चम्मच ले लिया है, बहुत ही कम घी का इस्तेमाल किया है। और घी को फ्राई पैन में डालने के बाद में अब हम उसमें ग्राइंडिंग स्वीट कॉर्न को ऐड कर देंगे। स्वीट कॉर्न उसमें डालने के बाद में अब स्वीट कॉर्न को अच्छे से हिलाते हुए 1 मिनट तक कुक कर लेना है। और मेक श्योर कि आपका स्वीट कॉर्न चिपकना नहीं चाहिए, उसे हिलाते रहें और अच्छे से घी में सेक लें। और अब हम उसमें 1 कप दूध ऐड करने वाले हैं, तो दूध को डाल लें और फिर से हिलाएं और मेक श्योर कि उसमें लम्ब्स ना रहें, क्योंकि हम हलवा बना रहे हैं तो उसमें बिल्कुल भी लम्ब्स नहीं रहनी चाहिए। अच्छे से हिला के मिक्स कर लें। 1 चम्मच हम उसमें ऐड करने वाले हैं क्यूमन सीड्स, जीरा 1/2 चम्मच हमने ले लिया है यहाँ पर नमक। स्पाइसी हलवा बना रहे हैं, स्पाइसी चटपटा, तो 1/2 चम्मच हमने नमक ले लिया है क्योंकि हमने यहाँ पर ग्रीन चिली का भी इस्तेमाल किया है। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और 1 कप हमने यहाँ पर ले लिया है मिल्क क्रीम मलाई, मलाई को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 4 चम्मच हमने यहाँ पर ले लिया है शुगर, मीठे का भी कम इस्तेमाल किया है। आपको अगर मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप शुगर का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, तीखे के साथ में इतना मीठा बैलेंस रहेगा। और 1 चम्मच हमने यहाँ पर ले लिया इलायची पाउडर, उसे भी हमने इसमें ऐड कर लिया है। और अब सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1/4 कप हमने यहाँ पर ले लिए हैं चॉप्ड कैश्यू, उसे हम हलवे में डालेंगे। और 1/2 कप हमने ले लिया है पिस्ता, उसे भी हम स्वीट कॉर्न में डाल लेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो स्वीट कॉर्न हलवा हमारा ठीक होके रेडी हो गया है और अब हम इसे 1 बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। तो हलवा हमारा गर्मा गर्म तैयार है, चटपटा हलवा, मीठा, तीखा, नमकीन, बहुत ही टेस्टी हलवा है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और ये खाने में बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लगता है। तो स्वीट कॉर्न का हलवा हमने 1 बाउल में शिफ्ट कर दिया है और अब हम उसे गार्निश कर लेंगे। तो गार्निश में हमने यहाँ पर ले लिए हैं ड्राई फ्रूट्स, वही चॉप्ड कैश्यूज़ और पिस्ता, उन्हें हमने कट करके चॉप करके ले लिया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो के आखिरी में कमेंट करना ना भूलें। इस वीडियो से रिलेटेड और भी वीडियो के लिंक इस वीडियो के आखिरी में हमने दे दिए हैं। अगर आपको उसमें से हमारा कोई वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ जाकर चेक करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो फ्रेंड्स, जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक बने रहें हमारे साथ, देखते रहें रुचि फूड एंड फन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।